बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ नान खटाई की रेसिपी शेयर करूंगी। 2 कप मैदा है और 1.5 कप किसी भी चीनी है हमारे पास। इसमें भुना हुआ बेसन है, ये हम डालेंगे 4 टेबलस्पून। और 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर हमारे पास है, ये डालो। 1/2 कप घी है, इससे हम गूंद लेंगे इसको। ये 2 छोटी इलायची, उसका बारीक दाने निकाल कर उसका पाउडर बना लेंगे। और ये बादाम है हमारे पास, 1/2 बादाम हम अंदर डालेंगे, थोड़े से ऊपर लगाएंगे। ये हम नान खटाई बनाना शुरू कर रहे हैं। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून घी और डाला, ये समझे 1 कप घी गया है इसके अंदर। और अंडा मैंने फ्रेंट कर रखा हुआ है, अंडा भी लगाएंगे इसके ऊपर। जितनी बढ़िया आपको बनानी है बना लें, और बीच में छोटा सा ऐसे सुराख करें और थोड़ा दूर दूर रख दें इसको ऐसे। और इसके ऊपर जर्दी लगानी है अंडे की, सफ़ेदी नहीं। बादाम ऐसे डालेंगे इसके ऊपर। सारी ऐसे तैयार करके हमने चूल्हे पर भगोने के अंदर बनाएंगे, या इनके पतीली में बनाएंगे। वो गर्म होने के लिए रख दिया है और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए बेक करेंगे। हमने सारी नान खटाई बनाकर इसमें रख दिए। अब जैसे ये बेक हो जाएगी फिर आपको दिखाएंगे। नान खटाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है, अभी ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर एक और रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।